फ्रेंड्स, वेलकम टू डेलिश फूड। आज पता है मैं आपके लिए सीजनल जो चल रहा है आजकल, मतलब कि समर इज गोइंग ऑन, तो उसमें आप देख सकते हैं कच्चे आम ही बहुत आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसकी काफी सारी चीजें बनती हैं। जैसे कि मैंने आपको मैंगो की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, मैंगो मूज, मैंगो शेक। इसी तरीके से कच्ची आमी, मतलब ये जो कच्चा आम है उसकी एक चटनी भी बनती है और लौंजी बनती है। There are lot of variety, but आज मैं आपके लिए कच्चे आम की लौंजी बनाने जा रही हूँ, जिसे हम कैरी लौंजी, कच्चे आम की लौंजी, आम लौंजी के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे ये 3 आम है, मतलब ये मैंने 400 ग्राम आम लिए हैं और 400 मैंगोज के साथ साथ ये मेरा केवल 100 ग्राम जो है गुड़ है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है तो जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं, बट इट इज सफिशियंट। एंड व्हाइट सॉल्ट, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल और स्पाइसेस आपको प्रॉपर चाहिए इसमें। कलौंजी, हींग जो हम तड़के में यूज करते हैं दाल वगैरह के, क्यूमिन, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और ये हमारा है कसूरी मेथी, मेथी दाना एंड सौंफ। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इन आम को वॉश करके अच्छे से इनका पील ऑफ करेंगे और इनके पीसेस करते हैं। देखिए, आम को मैंने वॉश कर लिया है और जस्ट इसे हमें इस तरीके से पीलर की हेल्प से पूरा पील करना है। देखते हैं, इस तरीके से मैंने ये पीसेस, मतलब इसके पील ऑफ कर दिया है। अब जस्ट आपको इस तरीके से इसके पीस करने हैं और फिर इसमें से इतना, मतलब ये हमारा जो है साइज होना चाहिए इस तरीके से, ज्यादा छोटा भी नहीं करना है और ज्यादा बड़ा भी नहीं। जस्ट इस तरीके से ये पीसेस हम निकाल लेंगे पूरे इसमें से। आप देख सकते हैं मैंने अपनी आमी के इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको कुक करने चलते हैं, उसके लिए हमें नॉन स्टिक्स या कढ़ाई की जरूरत है और मस्टर्ड ऑयल उसमें गर्म करते हैं। देखिए, मैंने ये कढ़ाई नॉन स्टिक ली है, कढ़ाई भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। अब देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं मेथी दाना, कलौंजी, हींग, जीरा, अच्छे से बस ये गर्म हो जाए, सब एकदम से रोस्ट होके चटकना शुरू हो जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, इसे थोड़ा आपको चटकने देना है। और फिर सौंफ, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अब इस तरीके से हम पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये पूरा मतलब सब चीजें अच्छे से भून जाएंगी, रोस्ट हो जाएंगी, फ्लेम को कम कर देते हैं और फिर हम अपनी एक कच्ची आमी की सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा पूरा, मैं व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट थोड़ा कम डालना है क्योंकि अभी हम इसमें बाद में चाट मसाला भी ऐड करेंगे, चाट मसाले में भी थोड़ा सॉल्ट रहता है। तो इस तरीके से फिर हमने थोड़ा सा उसको चलाया। अब हम इसमें वाटर ऐड करने वाले हैं। ये मैंने 1 ग्लास वाटर लिया है, इसका लिड बंद कर देते हैं और 5 मिनट के बाद फिर हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा कुक हो जाएगी उसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर मिक्स करेंगे। देखिए, 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं। अब देखिए, मैं आपको इसको इस तरीके से पीस करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, मतलब कि हमारी कुक हो चुकी है। इस स्टेज पर हमें इसमें
रेड चिली पाउडर, और अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो डाल दीजिए, इससे क्या है इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और टर्मरिक, टर्मरिक से भी कलर बहुत अच्छा आता है। बीच में गरम मसाला, फिर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से चलाते हैं। अब जब हमारी ये गल चुकी है, मतलब आमी, इस तरीके से हम इसके पीसेस करके देखेंगे। इस स्टेज पर हमने ये जो गुड़ लिया था वो डाल देते हैं, और जैसे हम इसमें गुड़ डालेंगे आप देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आएगा, और ये बिल्कुल अच्छे से जब पूरा गाढ़ापन हो जाएगा इसमें वाटर सारा जल्द होके धीरे धीरे। अब इसको हम फिर से ढक देते हैं जब तक हमारा गुड़ आराम से मेल्ट हो जाएगा और वाटर भी थोड़ा इवोपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल गुड़ मेल्ट हो चुका है और कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है ना। लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और थिक करना है, तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। फिर से हम लिड लगा देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। अभी देखिए इस स्टेज पर इसमें चाट मसाला ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, तो चाट मसाला डालें, फिर एक बार पूरा चला दिया है। अगर जिसे आपको पसंद है, आपको गाढ़ा गाढ़ा खाना है तो आप ये रख सकते हैं, वरना किसी किसी के घर पे थोड़ा सा इसको और भी डिप करके पसंद है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्चुअली थोड़ा ठंडा होने के बाद भी थोड़ी ठीक होगी। तो अभी मेरी ये लॉन्जी बिल्कुल रेडी है, बस दो मिनट में और इसे और पका रही हूँ इस तरीके से लिड ओपन करके, क्योंकि जिससे क्या है वाटर इसका इवोपरेट हो जाएगा। देखिए अब हमारा लॉन्जी का बिल्कुल ये टेक्सचर और ये जो भी हमारा बिल्कुल अच्छे से यही एग्जैक्ट चाहिए होता है कि एकदम से ना पतला और ना ही ज्यादा थिक। अभी ये थोड़ा ठंडा होने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा, और आप फिर हम इसको किसी भी कंटेनर में, मतलब आप इसको 5-6 डेज तक भी यूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती इजीली, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और बच्चों को चपाती के साथ, पराठे के साथ, मिंडी बना के, जैसे हम लोग बचपन में खाते थे ना रोल रोल बनाकर, उस तरीके से इसका फ्लेवर यम लगता है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और कुछ पुरानी यादें जब हमारे मम्मी लोग हमारे लिए बनाते थे रोलिंग पोलिंग पराठे में लगा के, तो वही वाला फ्लेवर जरूर ट्राई करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए अभी बिल्कुल लौंजी ठंडी हो चुकी है। आप किसी भी तरीके का, अगर आपके पास कोई कांच का बर्तन है या फिर मैं ये टब्बरवेयर का कंटेनर यूज कर रही हूँ, अब आप इसको लगभग 5-6 डेज तक भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि हमें सेम डेज को कंज्यूम करना है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आप देख सकते हैं ना, देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। आप इस तरीके से सीजन्स में जो कच्चे आम को यूटिलाइज करके अपने पास स्टॉक में ये चटनी बनाकर रख सकते हैं लौंजी की। ये 6-7 डेज चल जाती है इजीली, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और मजे ले सकते हैं। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। आई होप कि आपको मेरी कच्ची आमी की लौंजी की रेसिपी पसंद आई होगी। ओके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स।